जनपद कन्नौज तहसील त्रिवा ग्राम सखोली में जमीन विवाद पर चल रही है आपड़ा थपेड़ी, जिसमें प्रथम पक्ष शकुंतला देवी पत्नी लाल बहादुर, द्वितीय पक्ष के हरगोविंद और उनके पुत्र गढ़ जिसमें शकुंतला देवी की वसीयत है, लेकिन द्वितीय पक्ष हरगोविंद मुकदमा डाले हुए हैं, मुकदमा चलते हुए भी कर रहे हैं अवैध कब्जा। लेकिन शकुंतला देवी कह रही है कि जब तक कोर्ट का फैसला ना हो जाए तब तक इस पर कोई भी निर्णय ना लिया जाए। हाथ जोड़कर मेरी विनती है सब अधिकारियों से। जी यहाँ पे झगड़ा जो आप लोगों का चल रहा है, इसके पीछे पुलिस पुलिस आई है, क्या है ये लफड़ा? क्या है लफड़ा? ये लफड़ा है कि ऑब्जेक्शन कर देते हैं, मकान बनाते हैं तो ऑब्जेक्शन कर देते हैं। नहीं, ये जमीन किसकी है? जमीन अभी तत्काल हमारा है। तत्काल हमारे बाबा भी रहते रहे, हम भी रहते रहे, और अभी भी मेरे बाप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। नहीं, जो आप वसीयत दिखा रहे हैं, जो आपकी कौन है? बुआ है। आपकी बुआ है? सगी बुआ है? सगी बुआ। सगी बुआ। तो जो आपके जो वो थे बाबा थे, उनका क्या कहना है? वो है अभी कि आप बाबा दोनों लोग? हाँ, बाबा दोनों लोग खत्म हो गए। आज हो गई करीब 20 साल होने जा रहे हैं, 10-12-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए हैं कि आपके बाबा एक्सपायर हो गए हैं। तो जैसे आपकी जो बुआ रह रही हैं यहाँ पे, उनका ये कहना है कि ये मेरी वसीयत है। ठीक है, ठीक। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरी ये वसीयत है जो इनके हिस्सा है, ठीक है, पूरब तरफ मेरी वसीयत है जो उनकी वसीयत में लिखा है। इसमें आप एक मेरी बात सुनिए, देखिए, ठीक है, जब 2 बीघा आपको सेवा के नवा में 2 बीघा वही बाबा ने आपको बैनामा कर दिया है, तो ये वसीयत कैसे हो गई? यही हम पूछना आपसे चाहते हैं। बहुत देखो, और फिर जो बैनामा किया है वो प्रसाद ने किया है, और ये वसीयत राम प्रसाद ने किया है, ये कैसे हुआ है? नहीं, वो हम यही आपसे पूछना चाहते हैं। वो आप कोर्ट में डालिए, कोर्ट में मुकदमा पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे ये आपकी विवादित जमीन है, ठीक है, उस पर आप भी थोड़ा बोग रखें, और जहाँ पे आपका हिस्सा बन रहा है, ठीक है, आप वहाँ पे अपना कीजिए कुछ। देखिए, हमारा तो ये कहना है कि हम 2 बार मुकदमा जीत चुके हैं तहसील त्रिवा से। कन्नौज में हम लोगों ने मुकदमा दिया है कि वसीयत की मियाद ज़्यादा होती है, इसको खारिज किया जाए, और बाकी कोई केस नहीं है। कोई केस नहीं, नहीं। दीवानी वगैरह जो चल रही थी, ना ना वो नहीं है। ये खाली हमने यही किया है वसीयत खारिज कराने के लिए। हाँ, हमने करो साहब, हमने करो। अच्छा, अच्छा, हम 2 बार मुकदमा जीत चुके हैं। फैसला नहीं हुआ अभी तक? फैसला हो चुका है, लेकिन फैसला कोई मान नहीं रखता है, मानने नहीं है। इसलिए हम लोगों ने उसको खारिज ही कराने के लिए जर से ही खारिज किया, आगे चल के कभी भविष्य में ये ऑब्जेक्शन ना कर सके, इसलिए हमने मुकदमा कन्नौज में डाल दिया। जो ये विवाद है ये किस तरह है? ये सब वसीयत हमारे नाम, हमारे दाऊ ने हमारे वसीयत की है, 1/2 मकान और प्लस 2 बीघा खेत हमारे नाम वसीयत किया है। आपके नाम वसीयत किया? हाँ, मैंने साहब दायर कागज किए तहसील, हमारे भाइयों ने खारिज करा के मुकदमा दीवानी में डाल दिया, तो मैं दीवानी 10 साल से लड़ रही हूँ। हाँ साहब, जो ये बता रहे हैं, इनका कहना है कि 2 बार फैसला हुआ है, आप दोनों पर पहुंची नहीं है? नहीं साहब, कोई फैसला नहीं हुआ, रद्द करवाया इन्होंने, हल्फनामा लगवा के गवाहों और इन्हें रद्द करवा के मुकदमा दीवानी में डाला जाके, तब मेरे संभाला, तब साहब मैंने संभल लिया, तब मैं गए कोर्ट में देखा, तब मुकदमा उसी दिन से चलने लगा साहब। अच्छा, जो ये आपकी जमीन लिखी हुई है ये पूरब की तरफ है? पूरब की, ठीक है। जो आपके भाइयों की जमीन है वो पश्चिम तरफ है, तो पश्चिम तरफ ये कौन कौन बना रखे हैं? कोई साहब ने अभी किसी ने बनाया नहीं, ये है जहाँ तक बना था, इतना ही था, मैं यही खाना बनाते थे, यहाँ चूल्हा था साहब, यहीं मैं रोटी बना रहे थे पूरब साइड, और यहीं रहते थे, यहीं मेरे बच्चे लेटते थे, मैं लेटते थे, मैंने बहुत उन लोगों दाऊ की सेवा की है, वो सेवा पर मेरे प्रसन्न हुई के तब इतनी जगह दी साहब उस। हाँ, हमारी सेवा पर प्रसन्न थे। तो आप ये कोर्ट में मुकदमा चल रहा है जो, हाँ, उसकी तारीख कब है साहब? आज थी, लेकिन मैं वकील से बोल के आज मैं आ नहीं पाएंगे, कल आएंगे। 16 तारीख है, 16 तारीख थी। तो आपका क्या कहना है? मेरा यह कहना है साहब, फैसला हो जाए तब बनाए, और वो जीत जाए तो वो बनाए, जब साहब मैं जीत जाएंगे तो मान लो हम बनाएं या किसी को दे दें। हम मेरा कहना ये है कि अभी तक जब तक ये फैसला नहीं होता है, दीवानी चलती है, तब तक साहब कोई नहीं बनाएगा, पड़ी रही जमीन। ठीक है।